भाई जैसे मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ये ब्लॉग के आएंगे दो पार्ट्स, तो स्टार्ट कर देते हैं अपना दूसरा पार्ट यहीं से ही। अभी मैं एग्जिट हुआ हूँ, ये लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल से अभी मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक यहाँ से, क्योंकि मौसम है बहुत ज़्यादा बढ़िया और मैंने खाया नहीं हुआ कुछ। तो चांदनी चौक से बढ़िया दिल्ली का अगर ओरिजिनल स्ट्रीट फूड आप खाना चाहते हो तो कहीं नहीं मिलेगा, तो चलते हैं चांदनी चौक। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं चांदनी चौक, ये है दिल्ली की आन बान और शान। बहुत मज़ा आता है यार यहाँ पर आके, इसलिए मज़ा आता है, एक तो बेफालतू घूमते रहो और जब भूख लगे तो आप मस्त खाना खाओ, बहुत मस्त चीज़ मिलती है खाने के लिए यहाँ पर, अलग अलग वैरायटी की, हमेशा कुछ अलग ट्राई कर सको, आपको इतनी वैरायटीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ की फेमस है। इस बार मुझे किसी ने यहाँ आने से पहले सजेस्ट करा कि रबड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है एक जगह की, बस मुझे डायरेक्शंस बता दी, वो दिमाग में फिट है पर शॉप का नाम नहीं पता, तो ढूंढना पड़ेगा वो जाके। तो चलते हैं, पहले घूम लेंगे, बहुत आगे जाके है वो तो मई सड़क के पास, पर थोड़ा थोड़ा घूमते घूमते चलते हैं। सावन के उपलक्ष्य में ये पूरा एरिया है मंदिर के लिए ही वो बना दिया, और यहाँ पर सारे फूल वूल मिलते हैं, तो आम दिनों में ही मिलते हैं पर मंदिर में ज़्यादा सावन चल रहा ना इस वजह से। ये बेस्ट वेदर है, सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को, दिल्ली घूमने का अगर आप ये वेदर का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे ना, तो मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो दिल्ली में। कि कुछ टाइम बाद एकदम ज़्यादा सर्दी पड़ जाएगी जिसमें लोग निकलते नहीं हैं, थोड़े टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी तब नहीं लोग निकलते, तो ये वेदर बेस्ट है दिल्ली में, मस्त घूमो यार, कोई टेंशन नहीं, बैग रखो जिसमें पानी रखो और मस्त निकल जाओ। क्यों अंकल सही बोल रहा ना? आज भी मेरी एक शिकायत है पूरे चांदनी चौक वालों से कि क्यों ऐसा क्यों है कि तुम्हारी दुकानें ज़्यादा औरतों के लिए है, ज़्यादा तुम्हारा सामान औरतों के लिए मिलता है, क्या आदमी की ज़िंदगी नहीं है, आदमी सिर्फ क्या है, आदमी रिक्शा चलाने को ही बना है, आदमी नहीं शॉपिंग करेगा। और अभी तक मैं चांदनी चौक वाले गुरुद्वारा साहब में नहीं गया, यहाँ भी जाऊँगा आने वाले ब्लॉग में चीज़ें। अब मैं लिख नोट कर रहा हूँ ना, जब से मैं अपने डायरी में, तब से आइडिया आने लग गया कि हाँ बहुत जगह है जो मिस कर रहा हूँ। अगर दिल्ली में कोई एक ऐसी कोई बेचारी लड़की हो, सही में बोल रहा हूँ, बेचारी लड़की हो, जो मजाक में मत लेना इस बात को, सीरियस बात कर रहा हूँ बहुत, कि मतलब जो दिल्ली तो आना चाह रही है घूमने के लिए पर उसको डर है अकेली कैसी घूमूँ, तो मैं हूँ ना, मैं घुमाऊँगा, मतलब बहुत प्यार से घुमाऊँगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को दिल्ली घूम के। तो ये कमेंट सेक्शन में बता देना कोई लड़की बड़की हो जिसने घूमना हो, मैं घुमा देता हूँ सेवा भाव में। बस सबसे पहले खाता हूँ अपने फेवरेट दही बल्ले, लाइफ के सबसे बेस्ट दही बल्ले है नटराज के, मज़ा आ जाता है, लेके आता हूँ पहले, इससे बढ़िया दही बल्ले नहीं आप खा सकते ज़िंदगी में कहीं भी, वो नटराज पे मिलेंगे, वो कहीं नहीं मिल सकता। मज़ा आ गया दही बल्ले खा के, रिकॉर्ड बना सकता हूँ मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको फास्टेस्ट टाइम में खाने में। और बाकी यहाँ पर अनाउंसमेंट होते थे चांदनी चौक में, तो ये देखो असलियत की हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा जब लोगों को ये भी बेसिक नॉलेज देनी पड़ रही है अनाउंसमेंट में कि किसी से लेके मत खाएं, कुली का नंबर नोट कर ले जिससे सामान उठवाएं, अपना गेट ध्यान से खोलें, किराएदारों का पता पुलिस वालों को दें जिसको किराएदार रख रहे हो आप, कि बेसिक नॉलेज भी जो जिस देश में जिस पब्लिक को देनी पड़े, तो देश कैसे ग्रो पाएगा पता नहीं। यहाँ से मिलती है रबड़ी, लेते हैं अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि क्या ही अलग खाया मैंने, रबड़ी तो थी, मैंने रबड़ी बहुत जगह की खाई है, मुझे पसंद है, मेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, अजमेर से खाई है, बहुत जगह से खाई है, पर ये जो चीज़ थी ना सबसे बेस्ट थी, मज़ा आ गया खा के, महंगी थी उन सबसे तो मतलब ऑलमोस्ट डबल रेट था इसका, पर बहुत एक नंबर स्वाद थी, पता लग रहा था आप कुछ मस्त चीज़ खा रहे, मज़ा आ गया खा के, यही बात है चांदनी चौक के स्ट्रीट फूड में। और बस अपना तो खाने पीने का हिसाब किताब तो हो गया फुल, अब थोड़ा घूमेंगे फिर चलेंगे घर, और कुछ भी खाना चाहो तला हुआ वो मिल जाएगा, पाव भाजी वो बेस्ट यहाँ की है, चांदनी चौक तो बेस्ट है खाने के लिए। चलते चलते मैं पहुँच गया नई सड़क की ओर, पर यहाँ पर मेरा कोई काम है नहीं, मैं था स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के लिए, वो तो कर लिया है, और आप लोग अगर चाहते हो कि मैं दिल्ली में कहीं और का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करूं तो कमेंट में बता देना, चले जाएंगे खाने के लिए भाई।
इंसान कमाता किस लिए, खाने के लिए तो कमाता है। अब चलते हैं मेट्रो की ओर और चलते हैं सीधा द्वारका में। और सो गाइस, फाइनली घर तो मैं पहुंच चुका हूं, और आज थोड़ा फीवर था मुझे, फिर भी मैं सुबह पहले जिम गया, फिर व्लॉग्स बना के आया। आपने कल वाला व्लॉग नहीं देखा लोटस टेम्पल वाला, तो वो भी देख लेना। और अब कर देते हैं इस व्लॉग को यही एंड। अगर आपके व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।